हस्बैंड अगर नहीं होते तो शायद मैं अलका दी से यहाँ पे मिलने नहीं आ पाती, क्योंकि अभी एक लास्ट गाना तो सुना दीजिए आप। चम चम रोए अखियां, दिन है ट्रेनिंग का और हम सब साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका। आशा करती हूं आप सब ठीक होंगे और सुबह सुबह की आपको गुड मॉर्निंग। आज लेट हो गए हम वीडियो बनाने में और नहा धोकर पूरे तैयार हो गए हैं और आपको आज बालेश्वर मंदिर जरूर दिखाऊंगी। मामी से मैंने बोल रखा है कि मामी चलना आज तो दिखा देना, क्योंकि आज लास्ट डे बचा है हमारा यहाँ पर चंपावत में। और ये आ गई हमारी दो चाय। तुम्हारी ये वाली मेरी है, लो आप भी चाय पी लीजिए। कहना मत, पूछा नहीं हमने। कॉन्टेक्ट लेना देना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, चलते हैं अब। चलो, यहाँ पर रहा हमारा होटल और जस्ट आगे की तरफ है बालेश्वर मंदिर। ये है प्राचीन नौला चंपावत। यहाँ पर मेरे ख्याल से हमेशा पानी रहता था ना, जो कि ताला लगा रखा है, अभी भी है। बालेश्वर मंदिर चंपावत, यहाँ पर रहा बालेश्वर टेम्पल, जो कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक बालेश्वर मंदिर समूह चंपावत। ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पर फूल ना समझ लो, यहाँ पर पहाड़ पे फूल तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप कटिंग करते रहते हैं ना, इसीलिए। चलो, ये आप देख सकते हैं मंदिर में बिना रजिस्ट्रेशन के प्रवेश ना करें। देख रेख करते हैं यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर एंट्री कराई जाती है। अब हम एंटर कर रहे हैं अंदर की तरफ। आइए आइए, आपका स्वागत है बालेश्वर मंदिर पर। जय जय बोलो कि प्योर पत्थर। ये हम ऊपर की तरफ आ गए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना मंदिर पे आकर। यहाँ पर रही माता रानी, कृपया चावल ना चढ़ाएं यहाँ पर। और ये रहे भैरव बाबा, जो कि जस्ट माता रानी के सामने है भैरव बाबा जी। जो आप पत्थर देखेंगे ना, तो ये बहुत ही पुराने पत्थर हैं और यहाँ पर रहा सिर पर आप जल चढ़ाते हो तो यहाँ से निकलता है पानी। देखिए कितने अच्छे से बना रखा है और यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं पत्थर से ही। अब यहाँ के हमने दर्शन कर लिए हैं बालेश्वर मंदिर के। अब जस्ट यहाँ पर है हनुमान का मंदिर। अब जहाँ पर राम बसे होंगे वहाँ तो हनुमान होंगे ही, तो अब यहाँ से हम चल रहे हैं हनुमान मंदिर के पास। ये देखिए यहाँ पर रहे इतने बड़े हनुमान और ये रहा गदा। ये देखिए सभी के सभी फोटो खींच रहे हैं। यहाँ पर होंगे अभी तो, यहाँ पर ताला लगा है, राम बसते होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर माता जी का आसन है। जय हनुमान जी। मैं आई थी ना बालेश्वर मंदिर, तब मुझे यहाँ पर अकेले आने में डर लग रहा था, क्योंकि हनुमान इतने बड़े है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा था गदा उठा के ना मार दे। अभी तो इतने सारे लोग है ना, तो अब डर नहीं लग रहा है मुझे। जय हनुमान जी, कुछ गलती हो तो माफ करना। हम लगाते हैं तिलक हनुमान जी को, सभी लोग लगा रहे हैं। ठीक है हनुमान जी, हम चलते हैं, आपके दर्शन हो गए, हमें बहुत अच्छा लगा। हम कब से कह रहे थे आने के लिए, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। आज लास्ट डे है तो सभी लोग आ गए घूमने के लिए और निकलते हैं, 9 बजने वाला है। यहाँ पर क्या मिला, इतनी देर में आए? अरे इनके फोन। सभी लोगों ने दर्शन कर लिया और कुछ लोग पीछे से आए हैं जो कि हमारे साथ के हैं। अब ये लोग तो गए थे छोड़ने के लिए, हाँ। जो कि साथ में थी, हाँ। उनको छोड़ने के लिए, इसीलिए लेट हो गए। और आप अपनी एंट्री करा लेना वहाँ पर। अच्छा, हाँ हाँ, जितने भी लोग आप आए हो। और रे, इनको तो लेना, हम भूल ही गए। चलो हम चलते हैं, हाँ पाना। ठीक है ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। अब फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है।
वैसे हनुमान के दर्शन करके आए होंगे। जय बजरंगबली, सब कुछ ठीक होगा। आते वक्त हमने कह दिया था भैया से कि नाश्ता आप यहीं पे रख लेना, और यहाँ पर नाश्ता आ भी गया। खाना लेके आए हम अपने साथ, बालेश्वर मंदिर से घूमकर हम आ गए और साथ साथ में लेकर आए हैं खाना। ये देखिए सभी लोग खा रहे हैं, साथ में है पराठा और दही और अचार भी है। लास्ट दिन है और हम सब साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। निकालो आंटी जल्दी जल्दी। और हमने भी नहीं निकाला है, चलो हम भी खाते हैं। नाश्ता कर लिया, अब चल रहे हैं फिर से ट्रेनिंग में। आज हम जा रहे हैं शॉर्ट रास्ता, देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं। और अब देखते हैं 9:15 हो गया और हम पहुंचते कितने टाइम पर हैं। तो ये वाली बिल्डिंग ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है, 2 मंजिल का हाउस। हाँ हमारे घर घरों की खासियत है ये। हाँ बहुत ही मतलब पुराना, जैसे हवेली नहीं होती है वैसे टाइप। ये देखो बाकली, बाकली कुछ कहते हैं इसे, बाकली तो जहाँ आंगन भी होता है। पहुंच गए हम ब्लॉक के पास और थोड़ा जल्दी पहुंच गए, पता है कितने 21 मिनट में हम यहाँ पर पहुंच गए। अगर हम नीचे से आते ना, मतलब रोड वाली मार्केट वाली रास्ते से, तो हम पहुंचे थे आधे घंटे में। बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, सही बात है। प्लेन में हमारा चलना चलना हुआ हमारा, अब हुआ तो पहाड़ में चढ़ना, तो चढ़ नहीं पा रहे हम। हम पहुंच गए अपनी मीट, यहाँ पर कुछ लोग आए कुछ लोग अभी भी नहीं आए हैं। ये रही हमारी एक लाइन, जो कि हम सभी लोग एक साथ आए थे इसीलिए हम इतने लोग दिख रहे हैं और आए नहीं हैं, पता नहीं कितनी देर में आते हैं, इंतजार कर रहे हैं। वैसे जल्दी पहुंच गया, 9:30 बजे के टाइम पे 10 बजे होगी ट्रेनिंग स्टार्ट। और आज लास्ट डे है तो हम सभी के साथ टाइम क्यों ना व्यतीत करें ना लास्ट डे के वक्त। और बहुत अच्छे से पहचान हुई, बहुत अच्छा लगा, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा। नंबर की हमारी फ्रेंड आ गई है, घर चले आज, चलो घास वास कटाया नहीं मुझे, गेहूं काटोगे ना। अभी हमारी दोस्त आई है चंपावत से, जो कि हमें इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि आपसे हमें मिलना है, और पहुंच ही गई है देखिए। चलो आती है पास में फिर दिखाते हैं। कैसा रहा फिर सफर आपका? ये आप लास्ट बार देख रहे हैं चंपावत का नजारा। हमने सभी से मिला दिया अपनी बहन को, आप बहन ही हो गई सच में। बहन का सच में मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अगर दीदी होती तो आप ही आ जाती। अरे